हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह से ही, और सुबह उठते ही लगा ली थी मैंने मशीन, तो कुछ कपड़े तो मेरे धुल भी चुके हैं और लास्ट के चक्कर के बचे हैं कपड़े। और ये देखिए, मेरे से आज सुबह सुबह हुआ था एक ये वाला कांड। ये जिस दिन ये मेरे साथ हमेशा बनती है, जब मैं जेब को चेक करके डालती हूँ तो कुछ नहीं मिलता जेब के अंदर, और जिस दिन मैं बगैर चेक के डाल देती हूँ उस दिन कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो ये नुकसान लिखा हुआ था, वैसे तो नुकसान तो है लेकिन नुकसान में भी मेरा तो फ़ायदा है। तो बस यही, इनको मैं भी अब यहाँ पर सुखा दूँगी कुछ देर के लिए, सब सो रहे हैं तो तब तक ये सूख जाएंगे। और कल भी टीवी चलते चलते अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई और एकदम बंद। तो कल से कुछ ना कुछ नुकसान हो ही रहा है। तो बस पैसे सुखा के फिर मैं आ गई थी अंदर, यहाँ पे सब्ज़ी काटने लगी। और सब्ज़ी बस आज ऐसे ही बना रही थी, दो त्योरी थी, दो खीरे और एक आलू। तो पता नहीं पहली बार ही बना रही हूँ, वैसे तो मजबूरी में बना रही हूँ क्योंकि और सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो थोड़ी थोड़ी रखी थी तो यह सारी सब्ज़ी मैंने मिक्स कर ली थी। और ये खा के ही पता चलेगा कि सब्ज़ी कैसी बनेगी या कैसी नहीं बनेगी, क्योंकि ये इतनी तरह की मिला के। तो वैसे तो त्योरी की अच्छी सब्ज़ी बनती है, खीरे की भी अच्छी बनती है, और त्योरी के अंदर आलू भी डाल लेते हैं, लेकिन त्योरी आलू और खीरा ये तो कुछ हजम होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस जीरा और टमाटर का छौंक लगा के फिर मैं डाल दी थी सब्ज़ी, क्योंकि प्याज श्राद्ध में यूज नहीं करते, लहसुन और प्याज। और कपड़े भी मैंने आज इसीलिए धो लिए थे क्योंकि कल था फिर श्राद्ध, इसलिए कल धो नहीं पाती, तो आज ही कपड़े धो लिए थे। बाहर चल रही थी मेरी मशीन और मैं यहाँ पे बस फिर बच्चों का सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद आटा लगा के रख दिया था, और फिर मैं बच्चों के लिए लस्सी वगैरह तैयार करने लगी थी। और बस यहीं पे बात यही चल रही थी कि मैंने कहा कि आज मशीन में ऐसे ऐसे पैसे आए, किसके कपड़े के थे, किसके कपड़े किसकी जेब में थे वो। तो मैंने कुलदीप से पूछा, बेटा तेरे जेब में थे? बोला नहीं मम्मी। निशू ने कहा मेरे थे मम्मी। मैं कितने थे? बोली 100 रुपये। मैं कहा नहीं भाई, 100 से ज़्यादा थे। ये बोलते हैं कितने थे? मैं कहा नहीं ये तो नहीं बताऊँगी, बताओ जिसके थे उसको तो पता ही है। हाँ बोले 2500 होंगे तो फिर मेरे थे। तो इतनी झूठ, रुपये थे 400, लेकिन मैंने बताया नहीं, मैंने कहा 2000 और 5 के बीच में ही थे। बोला मेरे ही थे। फिर मैंने कहा एक टीवी का भी नुकसान हो गया, कल टीवी भी अचानक जल गया था चलते चलते। हाँ बोला नुकसान वालों का नुकसान हो गया, तेरे तो भी फ़ायदा ही हुआ, पैसे मिल गए, वो तो देगी नहीं, इतनी तो है नहीं। तो ये तो बिल्कुल सच था। तो वही है कि नुकसान तो हुआ है लेकिन नुकसान में भी मुझे फ़ायदा हुआ है। लेकिन होता ही है, हम सब लेडीज़ों का होता है कि अपनी अलग से रखते हैं कुछ थोड़ा बहुत खजाना, तो उसके अंदर ये ऐड हो जाएंगे, तो उनको मैं यूज नहीं करूँगी, नहीं जिसके थे उसको दूँगी। तो फिर वो करने के बाद अंदर का काम, फिर ये लास्ट चक्कर के कपड़े बचते थे मेरे, और चादर चेंज की थी आज, कपड़े तो कोई ये खास नहीं थे बाद के। वैसे तो कपड़े मेरे ने धो के और सुखा भी दिए थे, कुछ सूख भी चुके हैं मेरे, लेकिन लास्ट में फिर थोड़ा सा पानी और डाल के चादर मैंने चेंज करनी थी तो वो चादर डाल दी थी, और उसको फिर पानी में से बाद में निकालूंगी। इसके बीच पहले ही आके बनाने लग गई थी मैं यहाँ पे रोटियाँ, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं तो खाने का तो टाइम हो ही जाता है इस टाइम, और मशीन अभी भी मेरी चल ही रही है। वैसे तो कपड़े धुल ही चुके थे, इतनी देर तक मशीन चलती नहीं है मेरी। तो रोटी बनाने के बाद फिर मैं चादर को धो के सुखा दूँगी और फिर बाद में करती हूँ अपना आगे का काम। तो धोने के बाद, सुखाने के बाद चादर को फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में, यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे बचे हुए थे, कुछ तो धो दिए थे बीच में ही, और फिर मैं अब इनको धो के रख दूँगी अपनी जगह पे, और फिर करती हूँ मैं आगे का काम। और आगे का काम यही था कि जो बेड की जो मैंने चादर चेंज की थी, तो यहाँ पे मैं दूसरी इसको बिछा दूँगी, और यहाँ पर रखा था एक ये अलग से गद्दा, ये नीशू का था, वहाँ पर हॉस्टल का था, तो बस ऐसे ये कभी नीचे यहाँ पे गिरा लेते हैं और ये गद्दे के ऊपर भी डाल लेते हैं, तो यही यूज होता रहता है। तो इसको रख दूँगी साइड में, और थोड़ा बहुत यहाँ इसके ऊपर बेड के ऊपर जो है जगह है उसके ऊपर कपड़ा मार दूँगी, और फिर ये चादर चेंज कर दूँगी। तो बस
रहते भी ज़्यादातर हम इसी कमरे में, तो महल की भी सबसे ज़्यादा यही होती है, और कमरों में तो ज़्यादा इतने नहीं रहते ना ही जाते हैं। और वो अभी यहाँ पे टीवी था इसीलिए, दो दिन से टीवी है बंद, क्योंकि कल टीवी जल गया था हमारा, तो जब से बंद है तो बस इसमें भी बहुत कमी आते हैं। बस अपनी अपनी जगह पे बैठो या किसी के फ़ोन हाथ में, और बच्चों के दिन में क्लास चली जाती है, तो फिर बस ऐसे ही टाइम पास होता रहता है। तो यहाँ पे चादर वगैरह मैंने बिछा दी थी, और फिर मैं करती हूँ अपना अगला काम, मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। और समय हो चुका था, 3:30 बजने वाले थे, तो यहाँ पे पी ली थी चाय, और अब मेरे को चलानी थी चक्की। 3:15 हो चुके हैं, 3:30 नहीं हूँ, 3:15 हो चुके हैं, तो अब चक्की चला दी थी मैंने बाहर यहाँ पे। और ये जो गेहूँ की टंकी थी हो चुकी है खाली, ये धो के भर रखी थी और अब होगी खाली, तो बस बाहर चक्की चलती रहेगी, और अंदर फिर मैं आके बनाने लगी थी बच्चों के लिए। तो मैं आज बना रही हूँ चाउमीन, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टमाटर काट के रखा था, 2 शिमला मिर्च और 3 प्याज। टमाटर कोई नहीं डालता, लेकिन हम डाल लेते हैं, जो भी डाल देती हूँ बच्चे खा लेते हैं, टमाटर प्याज या हर चीज़ में मैं डाल ही लेती हूँ। और यहाँ पे ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस और विनेगर, और यहाँ पे सोया सॉस, और थोड़ा सा टमाटो केचप, और पिज़्ज़ा सॉस ये अपनी मर्ज़ी से ऑप्शनल, अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकता है, लेकिन मेरे पास था तो मैं डाल दूँगी, वरना इसकी कोई खास इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ली थी थोड़ी कुछ चाउमीन थी मेरे पास, तो इसको मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए उबाल लूँगी, क्योंकि थोड़ी सूखी सूखी सी हो चुकी है, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्की सी सॉफ्ट करूँगी इसको, और फिर इसके पानी को निकाल के और इसके अंदर डाल दूँगी मैं एकदम ठंडा पानी, तो उससे ये खिली खिली बनी रहेगी। और फिर यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया था 1 चम्मच भर के घी, और फिर इसके अंदर डाल दूँगी जो सब्ज़ियाँ मैंने काट के रखी हुई थी, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च वो सब। तो इनको मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस हल्का हल्का सा ही सॉफ्ट करूँगी, तो क्योंकि थोड़ा सा क्रंचीपन ही होता है तो वो अच्छी लगती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं, ना इनका कलर चेंज होने दूंगी और ना ही सॉफ्ट होने दूंगी, सिर्फ कुछ ही सेकेंडों तक इसको हिला के और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो सॉस वगैरह मैंने इसके अंदर डालनी है वो। तो गैस को किया हुआ था मैंने हाई फ्लेम पे, और इसको मैं चलाती रहूँगी लगातार, क्योंकि टमाटर और प्याज साथ में डाल दिए थे तो ये लगने का भी डर रहता है, और ये कढ़ाई भी मेरी एल्युमिनियम की है तो नॉनस्टिक होती तो शायद ये नौबत ना आती। तो बस ये इसको मैं हिलाती रहूँगी, और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी रेड चिली सॉस खूब ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि चटपटी ही अच्छी लगती है, अच्छा सा तीखापन हो, फिर बीच बीच में वो आवाज़ आती रहे ना मुँह से तीखेपन वाली, फिर इतनी इसके अंदर डाल दूँगी मैं ग्रीन चिली सॉस, फिर इनको मिला लूँगी, फिर इसके अंदर मैं डालूँगी विनेगर, और ये डाल दिया इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच के करीब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सोया सॉस, तो ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी विनेगर, ये भी 1 चम्मच के करीब, तो ये 2 चीज़ें तो इसके अंदर देखो चाउमीन के अंदर जाएगी ही जाएगी, ज़रूरी है ये। और फिर इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी लास्ट में बची है मेरे पास थोड़ी सी बची है टमाटो केचप, तो उस पैकेट को तो मैं इसके अंदर ख़त्म ही कर दूँगी, और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। तो इस ये बस खुशबू के लिए थोड़ा हल्का बहुत सा इसके अंदर, इसका वैसे तो कोई स्वाद की इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस और विनेगर बहुत ज़रूरी है, तो बाकी चीज़ें तो डालो या ना डालो। और ये टमाटो केचप मैं डाल दूँगी इसके अंदर सारा जितना मेरे पास बचा हुआ है, ये इसको अच्छे से हाथों से दबा दबा के, और मैं इसको निकाल लूँगी सारा, तो पैकेट खाली और इसको गिरा दूँगी एक साइड में।
तो ये सारे मिश्रण की इतनी अच्छी खुशबू सी पहले ही शुरू हो जाती है, जैसे चाउमीन बन ही चुकी है, सिर्फ सेम वही की वही स्मेल आती है इसके अंदर, क्योंकि चीज़ें सारी वही गई है इसके अंदर। तो फिर वहाँ पे चाउमीन भी मेरी ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि वो ठंडे पानी में डाल दी थी, और अब वो धीरे धीरे कर दूँगी, डाल दूँगी मैं इसके अंदर और इसको मिलाती रहूँगी। तो बस झटपट से चाउमीन बन के तैयार। अगर यही प्लेट हम बाज़ार से लेके आए तो 100 रुपये के करीब ही मिलेगी शायद, वैसे खास तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ना हम लेके आते हैं कभी, अगर कभी इच्छा होती है तो घर पे बना लेते हैं हम, और कभी वो ऐसा कुछ तो शायद कभी लेके भी आनी पड़ेगी। लेकिन घर पे सेम वही टेस्ट और बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। और इसको मैं अच्छे से 2 चम्मच या किसी पलटे की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर बीच बीच में मैं जा रही थी बाहर, क्योंकि चक्की चला रखी थी मैंने, और कुछ आज मैंने बनाना था दलिया, तो वो भी मेरे को आज पीसना था, तो बार बार मैं बाहर जा रही थी, तो उस टाइम में इसको नीसू संभाल रही थी। तो यहाँ पे सबके लिए चाउमीन बन के तैयार, आप भी खाइए। ये देखिए सेम जैसी बाज़ार की होती है, वही का वही टेस्ट और वैसी की वैसी बन के तैयार हुई थी। एक बार आप घर पर ट्राई करके ज़रूर देखना। और चाउमीन वगैरह खाने के बाद फिर मैं चली गई थी वापस से बाहर, और आटा मेरा पिस चुका था, और फिर यहाँ पे बनाया था कुछ दलिया मैंने, तो उसको छान के, और जो ये मेरे पास डिब्बा है, पूरा बड़ा डिब्बा है ये 5 से 7 किलो का, तो सारा तो नहीं भरेगा लेकिन आधे के करीब धो ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा ही गेहूँ थोड़े बचे थे मेरे पास जो धुले हुए थे वो, तो कुछ दलिया बना गया था। तो ये होता है गर्मी में एक आध बार बनाते रहो कभी तो यही आएगा मन में कि किचन से पीछा छूटेगा। तो आज 2-3 घंटे जो किचन में जो व्यतीत होते थे उनसे छुटकारा मिल गया, तो आज मैंने बना लिया था दलिया। ये देखिए दलिया बन के मेरा तैयार। लेकिन आज ये 2 घंटे जो मेरे को मिले थे तो उनको फिर वैसे ही जो मेरे काम में ही आ चुके थे आज ये भी, क्योंकि आज सुबह कपड़े धोए थे तो प्रेस नहीं हो पाई थी उन पे, क्योंकि आज मौसम था थोड़ा सा हल्का सा ख़राब ही था, और बूंदा बूंदी सी ऐसे रही ही थी, तो वो कम ही सूखे थे, तो बस अब उन पे करने लगी थी मैं प्रेस। तो बस आज वो बीच का जो टाइम था वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो अब मैं लगी थी प्रेस करने, दलिया मेरा बन के तैयार हो चुका था, तो वो नीचू डाल के दे देगी सबको, और मैं तब तक करती रहूँगी यहाँ पे प्रेस। और जब हल्के हल्के से जो प्योर कॉटन के कपड़े होते हैं वो हल्के हल्के से सूती वो सिले होते हैं ना, तो अच्छी प्रेस होती है, तो आज वही हो रहा था मेरे साथ, तो मज़ा आ रहा था प्रेस करते हुए भी। तो यहाँ पे ये दलिया बन के तैयार, और नीसू ने सबकी थालियों में डाल डाल के रख भी दिए थे, और प्रेस भी मेरी हो चुकी थी, प्रेस करने लगी थी मैं 6:30 बजे, और अब हो चुके हैं 7:30, तो पूरा 1 घंटा लगा था, 1 घंटे में मेरी प्रेस हो चुकी थी। और फिर ये देखिए कपड़े अब मैं रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे, और फिर खाते हैं दलिया, आप भी खाइए। और यहीं पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।